बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी यार क्यों आई लंबी जुदाई चार दिन दा प्यार और बा बड़ी लंबी जुदाई। बिल्कुल बहुत खुशी होती, बल्कि आई एम सो हैप्पी कि आई एम हियर फॉर योर शो। बहुत शुक्रिया, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। ये हीरा आपने कहां से ढूंढा? ये जी एक एक्सेप्शनल बच्चा है, एंड फवाद को मैंने एक्चुअली डिस्कवर किया था अबाउट 1 month ago. अच्छा। एक महीना पहले एक और चैनल पे एक ब्लाइंड आइडल कंपटीशन हो रहा था, जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान फवाद जैसे बच्चे आए हुए थे, एंड आई सॉ फवाद प्लेइंग द रुबाब एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड। मैंने कहा यार ये बच्चा जो है ना, बिल्कुल ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसी दौरान मैं हमारा आपको एक गाना याद होगा सांवली सलून, बिल्कुल तो वो उसको मैं पहले आप लोगों ने गोरे रंग का जमाना किया था, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, उसके बाद आप लोगों ने कहा भाई साहब बिल्कुल दोनों को बिल्कुल तो वो आई वाज प्लानिंग टू सॉर्ट ऑफ रिवाइटलाइज सांवली सलोनी, एंड देन आई थॉट ऑफ फवाद। मैंने सोचा कि यार कि एक हम लोग एक कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें गिटार्स के साथ मैं फवाद को रुबाब पे लेके आऊंगा। वेरी गुड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट ब्यूटिफुली beyond my expectations yeah. And Fawad displayed his talent extremely well on that song. So Fawad, आपने कैसे सीखा ये रबाब? और सुना है आप एक रबाब ही नहीं बजाते, आप बहुत सारे instruments बजाते हैं। जी मैम, मुझे बचपन से शौक था और मैंने पिंडी में आके उस्ताद से थोड़ा बहुत रबाब सीखा है, बस उन्होंने बेसिक्स मुझे सिखाई थी, बाकी मुझे शौक था तो मैंने सारा गाने निकालना। तो आपको कितना नजर आता है ये आप हमें बता सकते हैं कुछ, जैसे हम आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी सर, इसमें कैटेगरीज होती है B1 B2 और B3, तो इसमें मैं B2। अच्छा, B2 का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो एक तो होता है कि फुल प्रॉपर ब्लाइंड, एक होता है पार्शियली ब्लाइंड, तो मैं पार्शियली ब्लाइंड। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? मैं आल तो सारे बजाता हूँ, हारमोनियम गिटार वाव वगैरह। अच्छा जी, वाह वाह। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 11 साल सर। 11 साल की उम्र में आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? सुनने में आया मेरी मालूमात के मुताबिक तो 11 साल की उम्र में 10 इंस्ट्रूमेंट। वाह 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 वाह। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब ये स्टूडियो में आए मेरे तो मैंने फवाद ने सांवली सलोनी सुना हुआ नहीं था पहले, तो मैंने इसको सुनाया तो मैंने कहा यार देख मुझे इस तरह का एक पीस चाहिए। विद इन सेकंड्स और ये बजाएंगे इस तरह सिस्टम जबरदस्त। तो आगाज करें भाई। Wow.
बात है भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया वैसे। मैं वाकई गो, हम तो इज एक्सेप्शनल स्किल लेवल इस बच्चे का, फवाद का इस एज में, और अगर हम मतलब आगे ले जाएं इसको 10 साल बाद हम इसके स्किल लेवल पे अगर बात करें, ही इज द एसेट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ किड लाइक हिम। अच्छा मैं म्यूजिक की आपको एक बात बताऊं कि एक मकसद जो था इनके साथ कोलैबोरेट करने का वो मेरा ये था कि वाइटल साइंस 30 साल पहले था, 90s में, बिल्कुल इसकी उम्र के बच्चे या ऐसे कुछ बड़ी उम्र के बच्चों को वाइटल साइंस का इतना शायद इल्म ना हो, नहीं बिल्कुल। सो आई वांटेड कि एक जवान के साथ कोलैबोरेट करूं मैं, और ताकि लोगों में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें एक अवेयरनेस आए कि वाइटल साइंस का म्यूजिक क्या था, क्या था। बिल्कुल, तो अभी भी वाइटल साइंस के जो लोग हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। ओह यस यस, कनेक्टेड इन द सेंस के वी नॉट देयर एज अ बैंड। सही, ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल। एंड शाई एंड रोहेल, दे आर बिजी विद देयर ओन थिंग। रोहेल डिड कोक स्टूडियो, बिल्कुल, इज द क्रिएटर ऑफ कोक स्टूडियो एंड माशाल्लाह इज डूइंग really well, and Shai is doing really well as well. He's in Karachi, and he's got his studio set up. So वो तो studio में काम करते हैं। और आप आवारगी कर रहे हैं? मैं आवारगी कर रहा हूँ। ये आवारगी की तरफ चला। ये क्या है? ये बड़ा अच्छा point है। पता है मैं इस उम्र में आ गया हूँ, ठीक है? मैं तकरीबन अब 60 साल का हो गया हूँ, and मैंने सोचा यार मैंने सारी उम्र मैंने शराफत से गुजारी, शराफत से गुजारी है। तो मैंने कहा जो ये अल्फाज है ना आवारगी, इसको एक शराफत तरीके से ना इसको इस्तेमाल किया जाए। यूजली देखें अवारगी का क्या मतलब है, अवारापन, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मकसद था, जो मैंने गाना बनाया उसमें ये मेरा मकसद था कि अवारगी से मैं जिंदगी गुजारी मैंने, लेकिन प्यार में, लोगों को प्यार दिया, लोगों से प्यार लिया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ अवारगी में होते हुए सब कुछ मैंने पाया। तो मेरा मकसद इस दफा जो मैंने गाना बनाया है वो ये था। सही, वो एक तो था वो आवारगी में हद से गुजर जाने वाला मामला, एक वो भी था गुलाम अली साहब की आवारगी, बिल्कुल बिल्कुल आवारगी। बहुत, तो अब ये लेटेस्ट आवारगी, तो इसके मायने आप बहुत कुछ मतलब डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हैं आवारगी। बिल्कुल, तो मेरा मकसद ये, तो ये आवारगी एंड द वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाई टेक डिजिटल, ये यार ये तो उफ माय गॉड। अब ये तो इट टुक अस अबाउट 6-7 months, कुछ 7 महीने में लगे थे इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए। ये पहली वीडियो पाकिस्तान में जो फुली एनिमेटेड एआई सॉन्ग है, फुली एनिमेटेड, एंड इट केम आउट वेरी डिफरेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और लेकिन इसको बनाने में बड़ा टाइम लगा है, कोई बात 6-7 months। जरा अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसको लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, सो इट टेक टाइम, लेकिन इट वाज फन मेकिंग इट। एंड तो मैं ये चाहूंगा कि आवारगी भी अगर थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन के लिए लाइव गुनगुना सकें। हां वो वैसे मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि वो गिटार तो आपका है नहीं इस वक्त। जो सॉरी वो आज मेरा बल्कि शो है जी, एक लोकल यूनिवर्सिटी उधर, तो ऑल द इक्विपमेंट इट्स ऑल ओवर देयर। एनीवे, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई, दिल ने सुनी दिल की सुपा, दिल पे हुआ दिल मेहरबा, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई। एक प्यार था इकरार था, चाहत भरा इजहार था, एक बार देखा था तुझे क्या नूर का दीदार था, वो रोशनी काम आ गई, दिल ने सुनी दिल की सुबह, दिल पे हुआ दिल मेहरबान, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई। क्या बात, तुम दूर थे, तुम दूर थे,
तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तुम मिल गए, तुम मिल गए, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, वीरानिया कम ना हुई, तन्हा था मैं, तन्हा रहा. मैं तो वहां पहुंच गया था, वहां पहुंचा हुआ था मैं. बिल्कुल बिल्कुल. दिस वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बिल्कुल. पार पार. अब आपसे हम चाहेंगे कि हमें आखिर में कुछ सुना दें. बिछड़े अभी तो हम, इज अ हेवी किड. बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी यार क्यों आई है लंबी जुदाई. चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई.